आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शनिवार को बोधगया स्थित सूर्य पैलेस में बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बामसेफ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ सहयोगी संगठनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शनिवार को बोधगया स्थित सूर्य पैलेस में दो दिवसीय बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। इस दौरान बामसेफ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहयोगी संगठनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन साल में होता है, प्रत्येक साल होता है, साल में एक बार होता है, 25-26 दिसंबर ये डेट हमारी है और उसको हम जनरल महासभा के रूप में लेते हैं, जिसमें भारत के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी है, कैबिनेट है, वो सभी भाग लेती है। तो ये बामसेफ की जनरल महासभा है, इसका विशेष महत्व है, जो कि बामसेफ भारत के लिए क्या रोल प्ले करेगा उसके निर्णय यहाँ पे किया जाता है, तो इसलिए ये मीटिंग है। दोनों को मिला करके ये मीटिंग यहाँ पर हो रही है, साल में एक बार होती है और हम पूरे साल का, पिछली साल का हमने क्या कार्रवाई की है, आगे हमारी क्या कार्य योजना है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, उस पर आज पूरा विचार होना है पूरे दिन। तो इसी के विषय में ये आज लोग देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 25 व 26 दिसंबर को ऐतिहासिक शहर आगरा में शुरू किया गया। अधिवेशन के दौरान बामसेफ के पदाधिकारियों ने कहा कि बामसेफ संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हमारा ये जो बामसेफ का आज कार्यक्रम हो रहा है, ये हर साल एक हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है ये, और भारत के हर प्रदेश में हर साल कभी कहीं सब जगह होता है, और हम लोग देश की स्वतंत्रता और समता और बंधुता के लिए हम एक अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं, उसी विषय में आज हमारा चिंतन मनन है और बस हमारी आगे क्या कार्य प्रणाली रहेगी उसी पर आज विचार होना है। बामसेफ का जो कि ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन के नाम से एक बहुजन समाज की, दलितों की एक संस्था है, सरकारी कर्मचारियों की संस्था है, जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम जी ने की थी और समाज को एकजुट करने का प्रयास किया था। तो उसी क्रम में ये हर वर्ष एक चिंतन शिविर होता है बामसेफ के द्वारा, और इस बार ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये आगरा जनपद में इसको निर्धारित किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुलेखचंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए बामसेन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उनका कहना है कि भारत देश को आजाद हुए कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का दुर्भाग्य है कि आज भी बहुजन समाज गुलामी की जिंदगी जी रहा है। उनका कहना है कि भारत के संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता व मातृत्व पर आधारित समाज का निर्माण प्राप्त होगा, लेकिन उनका ये सपना केवल सपना ही बनकर रह गया। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।